आज असली परीक्षा है यार। देखो आज काफ़ी लंबा ग्रुप है हम लोग का। देखो बाइक कहाँ तक जा रहा है, मतलब कुछ गाड़ी का परमिट नहीं था तो वो चढ़ गया एकदम अभी। बट ठीक है, मतलब सही रहा कि पानी चाहिए। जम के उड़ाओ, हम लोग फाटने के लिए तैयार है इधर। स्ट्रेट रोड है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। और आज एक्सपेडिशन का तीसरा दिन और टूर का छठा दिन है और हम लोग अभी हैं लेह में। तो रात को यहाँ स्टे था, सो ये होटल रूम है। हर जगह पे ठीक है, एक डिसेंट सा होटल रूम मिल रहा है रहने के लिए। यहाँ पे हर एक होटल से जो व्यू है ना, देखो लवली व्यू। 3 दिन का टूर है हम लोग का यहाँ से, नुब्रा, तुतरुक और पेंगोंग, ये 3 दिन का टूर है। 3 दिन के बाद वापस फिर हम लोगों को ले आना है। 1 ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड भी जाने वाले हैं हम लोग, 17,000 समथिंग फीट है, तो खरदुंगला पास। मैं तैयार हूँ और सब लोग तैयार हैं। एक ग्रुप ऑलरेडी निकल चुका है इधर से, हम लोग अभी नेक्स्ट ग्रुप अभी निकलने वाले हैं। अब मेरा बाइक का थोड़ा सर्विसिंग था क्योंकि टायर चेंज करना था। टायर थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम लग रहा था, तो ये उन्होंने दोनों टायर चेंज किया। अब बिल्कुल नया टायर के साथ अभी राइड करेंगे और ऊपर जाना भी है, तो शायद आज बर्फ भी मिल सकता है, तो अच्छा है। रेडी? आज असली परीक्षा है यार। देखो पास। कल हम लोग 226 किलोमीटर चला है, ज्यादा ही हो। यस, आज का हम लोग का एक्सपेडिशन टीम का इतने सारे लोग हैं। पूरा भरे हुए लोग। यस यस ये यस ओके। आज काफी लंबा टूर होने वाला है। ये देखो, हाँ मेरा गाड़ी इधर है। ओके। सो जर्नी स्टार्ट फॉर टुडे। डायरेक्ट पहले फ्यूल स्टेशन। ओके। ये नुब्रा के लिए आपको छोटा सा गेट है। हाँ ओके। देखो आज काफ़ी लंबा ग्रुप है हम लोग का। देखो बाइक कहाँ तक जा रहा है, और तो मज़ा ही है। सो आज हम लोग को मज़ा आने वाला है और काफ़ी जो राइडिंग का लेवल है वो डिफ़िकल्टी लेवल एक और ऊपर जाने वाला है आज। और हम लोग यहाँ से निकले हैं नुब्रा के लिए, जो कि करीब 145-150 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा यहाँ से। तो रिफ्यूलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग का जो चेक पॉइंट है वो इनर लाइन परमिट निकालना पड़ता है आगे जाने के लिए आपको। तो इनर लाइन परमिट सबको निकाला है हम लोग, और उसके बाद वो चेक पॉइंट के बाद पहला जो स्टॉपेज है वो लेह व्यू पॉइंट आएगा। सो लेह व्यू पॉइंट, फिर उसके बाद खरदुंगला पास होते हुए हम लोग नुब्रा की ओर जाएंगे। तो खरदुंगला पास जो है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है, मतलब वहाँ
17,985 फीट है, सो ऑलमोस्ट 18,000 फीट पे जाने वाले हैं। तो फिंगर क्रॉस, भगवान करे सब कुछ सही रहे। तो क्लाइंबिंग चालू हो गई है, ये देखो वापस असेंडिंग स्टार्टेड। और यस देखो अभी राइडर लोग उधर भी हैं और कुछ वहाँ पे भी राइडर लोग रुके हुए हैं, हम लोग का ग्रुप का शायद। बस ये देख, ये पूरा लेह सिटी है। नीचे धूप में खड़ा होकर तो गर्मी लग रहा था, बट नाउ अभी नहीं नहीं वो ये चेक पॉइंट है, तो हम लोगों को यहाँ सबको रुकना पड़ेगा। काफी राइडर लोग हैं, वाह। सो गाइस दिस इज द चेक पॉइंट, हम लोग रुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जितने बाइकर लोग हैं सबका गाड़ी यहाँ पे चेक होता है, क्योंकि आपको परमिट लेना पड़ता है आगे जाने के लिए। अगर आप लद्दाख का गाड़ी लेते हैं तो अगर उसका तो परमिट होता है, तो यहाँ पे देखो आगे में एक स्टिकर मारा रहेगा, वो स्टिकर से ये लोग को परमिट का पता चलता है। सेम लाइक हम लोग का जैसा पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन चिपका दो तो ओके, बट अगर गाड़ी बाहर से आ रहा है कोई, तो वो गाड़ी का परमिट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो कुछ पैसा पे करके और फिर वो लोग परमिट देते हैं आगे जाने के लिए। तो जो कुछ गाड़ी का परमिट नहीं था, तो वो अभी परमिट निकाल रहे हैं वो लोग। बाकी जो लोग हम लोग का परमिट था, तो हम लोग आगे हैं, वेट कर रहे हैं। वो परमिट निकालने के बाद फिर यहाँ से एक्सपेडिशन निकलना पड़ेगा। सो फाइनली सारा प्रोसीजर, चेक पॉइंट, हेल्थ डिक्लेरेशन सब करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं नुमरा के लिए। ये देखो, और आज तो मज़ा आने वाला है भाई। ये गोनपा, अच्छा गोनपा, ये और आज डिफिकल्टी लेवल भी एक लेवल अप है। यहाँ से नीचे लेह में तो काफ़ी गर्मी लग रहा था, अभी हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं, 10:30 बज गया था वहाँ। तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा था क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो गया था इसके वजह से, बट नाउ अभी इधर पे आके ऐसा थोड़ा ठंड महसूस हो रहा है। अभी हम लोग को ये रास्ता वैसे दिख रहा है, वैसे वो जाने का है वहाँ। तो अब बीच बीच में थोड़ा सा रोड ख़राब भी मिलने वाला है हम लोग को। यहाँ पे थोड़ा सा बराबर जगह पे आ गए हैं, इसको इधर ही ओवरटेक करना है। ये अलग ही भाई साहब बैगानाथ लेके उड़ रहे हैं। यहाँ पे उधर जाना है, बहुत जल्दी काफ़ी हाइट पे हम लोग आ गए यार। देखो नीचे तो मेरे से देखा ही नहीं जा रहा, और नीचे देख के डर लग रहा है। इसके लिए आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन रोड। और हम लोग अभी 13,500 फीट से ज़्यादा ऊपर, हम लोग आई थिंक 14,000 फीट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो सो हम लोग पहुंच गए हैं लेह व्यू पॉइंट। देखो ये है लेह व्यू पॉइंट, दिस इज द फ्रेम, फोटो फ्रेम, यहाँ पे लोग फोटो वगैरह खींच सक रहे हैं। ले व्यू पॉइंट, और इसके नीचे वाह,
क्या मस्त। सो हम लोग हैं अभी साउथ पुलु में, यहाँ पे एक और चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे चेक पोस्ट करके सारा क्लियरेंस लेके हमारा मार्शल देखो आगे जा रहा है। और हम लोग अभी 15,300 फुट पे पहुँच गए हैं। थोड़ा सा डिजनेस फीलिंग हो रहा है बट उसको नोटिस नहीं करना है और हम लोगों को चलते जाना है। ओके बैठे बैठे हालत खराब हो जाता है, फिर खड़ा होके गाड़ी चलाना पड़ता है। अभी हम लोग बर्फ वाले पहाड़ के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। काफ़ी एकदम चिल्ड ऐसा हवा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा चुभ रहा है स्किन पे। और आज तो आज पहले से ही पता था कि आज ठंड बढ़ने वाली है, तो हम लोग बराबर 2-3 लेयर पहन के आए हैं कपड़ा, सो दैट कि थोड़ा ठंड का असर कम हो, क्योंकि ठंड के वजह से क्या है कि स्किन भी थोड़ा सा रेड रेड हो जाता है। ये स्किन और ये ठंड और जो धूप है ना बराबर ही जैसा है, देखो इधर पूरा वही से। और हम लोगों को टॉप पे जाना है खारदुंगला, अब जाके थोड़ा डेजीनेस ज़्यादा लगने लगा है और पानी इतना पी रहे हैं कि टॉयलेट इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और अगर ये मोशन में है तो ठीक है, जैसे अगर रुक रहा है ना गाड़ी तो उस टाइम पे ज़्यादा ही फीलिंग हो रहा है, रुक जाओगे तो ज़्यादा फीलिंग होगा, सो बेटर कीप गोइंग। लिटरली जो था सच में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है यार, क्योंकि अभी हम लोग खारदुंगला पास जा रहे हैं, वो पास से नीचे देखो ये अभी रोड उधर घूम के वैसे जाएगा। बर्फ बर्फ मिलना चालू हो गया। पब्लिक अपना नाम लिखना भूलता नहीं है, किधर भी जिधर मौका मिला उधर नाम लिख देता है, ठीक है ना? चलो अभी ठीक है, चलते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाएंगे तो तुरंत शॉक लग रहा है। कितना ऊपर आ गए हैं देखो, वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है उससे भी ऊपर आ गए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी, ग्लव्स में तो एक और ग्लव्स पहनना पड़ेगा मेरे को लग रहा है ऐसा। ओ वाओ, सब सब हवा लग रहा है। कितना ब्राइट कलर आ रहा है उधर से, एकदम जो वाइट बोलते हैं ना रियल वाइट वैसा दिख रहा है। कैमरा में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा बट सामने से जो देखने का वो है ना अलग ही नज़ारा है। ओके सो वी आर ऑन खारदुंगला पास। यस, हम लोग का ग्रुप कैप्टन किधर है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वाह, ये है जो फीलिंग भाई, फाइनली फतेह झंडा। यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, क्योंकि रुक रहे हैं तो शॉर्ट हो रहा है। खारदुंगला पास, एल्टीट्यूड 17,982 फीट है, ये है द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माइटी खारदुंगला। अभी थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सब हाथ वगैरह जो है
सालू का भी हालत खराब हो रहा है, है? भाई यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम है ऑलरेडी, मेरे को भी थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग विक्स सूंघ सूंघ के सही दे रहे हैं, है? तो बस जल्दी से फोटोग्राफी वगैरह करके बस निकलेंगे यहाँ पे। पूरा एकदम सर ऐसा घूम रहा है पूरा दबा के, इनहेलर इनहेलर भी काम कर नहीं रहा, रिजर्व ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है अभी। कपूर ऊपर इसके अंदर ही डाल के हम लोग रखे हुए हैं, ग्लव्स के अंदर ही कपूर डाल दिया। अच्छा है, वर्ल्ड टॉप मोस्ट पॉइंट में है अभी फतेह। पानी कम नहीं करने का है, पानी पीते ही रहना है बस। अब यहाँ से हम लोगों को नीचे निकलना है बस, थोड़ा चढ़ गया एकदम अभी। ओह निकलते हैं, नहीं तो फिर यहाँ सांस फूलेगा। बैठो, भाई ये है द टॉप ऑफ द वर्ल्ड भाई, ओ माय गॉड। चलो हम लोग अभी यहाँ से डाउन हिल है, थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो सही हो जाएगा। बाप रे, ये देखो बर्फ की कटाई हो रही है, वाह अभी पूरा बर्फ है रास्ते में, वो नीचे तक जाना है। एक बार उतर जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम होएगा, बट ठीक है, मतलब सही रहा कि ज़्यादा नहीं। और देखो यहाँ जाम भी है, हर हर शंभू जय शंकर की वजह से पूरा यहाँ स्लिपरी भी हो जाता है ना, बाइक भी स्लिप करता है। ठीक है, ओके। देखो भाई पहलवानी कर रही है, अगर गिर गया तो पूरा हो जाएगा जाम। ओ माय गॉड, वहाँ हम लोग वो टॉप पे थे, टावर है ये साइड वाला, बर्फ निकालू ना। That is the top, वहाँ से चल के यहाँ तक आया अभी। हो अभी भी नॉर्मल उतना नहीं हुआ है, और नीचे जाएंगे तब जाके नॉर्मल होएगा अभी यार। आज समझ में आया कि लद्दाख ट्रिप सच में नो टीजी, सबके पास की बात नहीं है। रियली वेरी टफ, क्योंकि
ये हो गया कि अपने आप को लिमिट से ज़्यादा पुश करना। मेरे को नहीं लगा था लिटरली कि मैं इतना स्मूथली खारदुंगला पास को पास कर जाऊंगा, बट ओके थैंक्स गॉड सब कुछ नॉर्मल रहा। थोड़ा बहुत वो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, वो तो सबको हो रहा है वहाँ पे। दो तीन और पासेस हैं इसके ऊपर भी और वहाँ पास करना होगा, तो अब तक देखते हैं। बस पानी का इंटेक सिर्फ बढ़ा के रखना पड़ा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप पानी पीते रहो, ऑक्सीजन ऐसे आपको हवा से नहीं मिलेगा लेकिन पानी में भी ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन आपको बॉडी को मिलते रहेगी। तो इसके लिए पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है और कपूर रख लेना चाहिए। दूसरा हम लोग जो है वो विक्स का इन्हेलर भी रखा था, सो दैट पूरा वो इन्हेल करते रहें अपने साथ और पानी पीते रहें। कहाँ जा रहा हूँ वो भी, हमारे ग्रुप वाले लोग किधर गए वो भी पता नहीं, मेरा मार्शल भी आगे गया कि नहीं पता नहीं, बाकी ग्रुप वाले लोग तो पीछे ही हैं। तो अभी कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये जो जा रहे हैं लोग ये तो दूसरे ग्रुप वाले लोग हैं। ये हम लोग का ग्रुप है क्या? नहीं यार, दूसरे ग्रुप में रुक जा रहे हैं यार, पहचान में भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते जाना है। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, जगह का नाम क्या है देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे करेंगे हम लोग लंच। आराम जो लग रहा है ना, ना आराम लग रहा है, सो जाएगा इधर। अब थोड़ा थोड़ा सा धूप निकल रहा है, थोड़ा मौसम नॉर्मल यहाँ पे उतर के ठंड काफी हो गई। एक्चुअली मेरे को रंगेला भाई सुनो भाई थोड़ा सा वो हो रहा था, हेडेक हो रहा था, सर दुख रहा था। पानी आपके पास कौन से चॉकलेट है? एक पहना है, ये लेदर जैकेट पहना है, एक और जर्किन पहना है, फिर नीचे ये पहना है, उसके नीचे एक और पहना है। तो अभी जाके थोड़ा सा ठीक है, ऊपर ऊपर अच्छा है सीनरी, बट मेरा तो अभी सर घूम रहा था, इसकी वजह से कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा था। तो बट अभी नाउ आई एम फीलिंग गुड और अच्छे से सब कुछ, बट चार पांच पहन के रखे हैं भाई तब जाके। और यहाँ पर अभी अच्छा व्यू है, हम लोग को भी जाना चाहिए होटल के लिए। तो चार पांच पहन के रखा, चार पांच, चार तो तीन क्या करोगे फिर? खाना मैं एक्चुअली पहाड़ों पे आके खाना जो है ना टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मसाले का भी टेस्ट नहीं होता, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा मसाला डाला जाता है। अब हो गया लंच, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ जब हम लोग आए तो काफ़ी हेडक हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेडक हुआ, फिर बैठ कर मैं पानी पी गया एक बोतल पूरा ठंडा। अब जब पानी पिया ठंडा तो अब और शरीर एकदम पूरा ठंड पड़ गया था, हिलने लगा मैं। सो फिर अब यहाँ से निकलते हैं पहले, ओके रेडी? तुम पानी पी नहीं, मैं ये पानी खत्म करो, पानी पीते रहो बस, खत्म करो खत्म करो। श्रीरंग का थोड़ा सा हालत अभी ख़राब है, थोड़ा सा पानी 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 चाहिए, पानी
हाँ वो झटका लगने के बाद थोड़ा सा फील हो रहा है वैसा। थोड़ा सा रेस्ट कर आराम से सांस ले सिर्फ फ्रेश एयर। यहाँ पे ऐसे ही ऑक्सीजन कम है, थोड़ा सा भी कुछ होता है यार शरीर से अगर थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे आदमी को डेजनेस फील होना चालू हो जाता है। तो यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा है। मस्त भी है ना, ये देखो लद्दाख का दूसरा पार्ट ये भी है। ये तो बहुत हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग है जिसमें आपको धूल ही धूल मिलने वाला है। वाव, अब आया असली मजा लद्दाख का। देखो भाई ये भी एक लद्दाख का दूसरा पार्ट है। रोड ही पावा सीर है, सौकर बैठ गया। प्रधान साला बाल में मेहंदी लगा के खाली नौटंकी झारता है। हाँ उड़ाओ उड़ाओ, जम के उड़ाओ, हम लोग फाँकने के लिए तैयार है इधर। अब जाके थोड़ा अच्छा रोड आया है, पूरा धूल धूल हो गया। बट रोड इज नॉट ईजी, थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ओके ओके स्टॉपेज है। पहुंच गए हैं नुब्रा वैली के पास। नुब्रा नहीं पहुंचे अभी, ये नुब्रा वैली है और श्योक रिवर है। ये रिवर का नाम श्योक है और जो हम लोग परसों जाने वाले हैं पेंगोंग, जो पेंगोंग लेक है वो हम लोग वो रास्ता जो नीचे दिख रहा है उससे ही आगे जाने वाले हैं, जो कि परसों जाना है अभी। तो आज का डेस्टिनेशन तो नुब्रा है। नुब्रा रुकने के बाद फिर कल है तुरतुक, फिर नेक्स्ट डे पेंगोंग। कितना सुंदर ट्रैक है देखो, मस्त। वाह सो गाइज, टाइम हो गया है 5 PM और अभी भी हम लोग पहाड़ों में ही भटक रहे हैं। अभी नुब्रा अभी पहुंचा नहीं है, ऐसा इतना टर्निंग है ना। वाह देखो आगे पीछे हो जाता है पब्लिक। ये रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही डरावना है भाई। ये पूरा जो ऊपर जो दिख रहा है ये पहाड़ की मिट्टी है पूरा, कब भरक के नीचे आ जाएगा पता नहीं। और उसके नीचे से काट काट के रोड बनाया हुआ है। इधर पूरा जो ये पहाड़ है ना, ये वाला पहाड़ पूरा मिट्टी वाला पहाड़ है। कहाँ पहुँच गए हैं भाई, कौन सा जगह है? नुब्रा, ओके वी हैव रीच्ड नुब्रा। तो हम लोग अभी नुब्रा में पहुंच चुके हैं और ये देखो पूरा एरिया जो है पूरा फ्लैट, एकदम नीचे रिवर है
ये जो एरिया है ये एरिया में शायद कैंपिंग वगैरह होता है और होटल वगैरह शायद और अंदर होगा या मे बी सिटी भी होगा। आगे चलते हैं फिर देखते हैं क्या है, सिटी है कि क्या है। ये कुछ है खिदिक पास टू केप कोमोरो। बाइकर लोग वेव करने में ना पता नहीं, एक बाइकर में दूसरे बाइकर को देख के अलग ही एक्साइटमेंट हो जाता है लोग। अभी हम लोग वापस चलना चालू कर दिए। ट्रेन है ये देखो, जी 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 सही बनाया है। हम लोग पहुंच गए हैं आज का फाइनल एंड लास्ट पॉइंट, ऋषिकेत मोनेस्ट्री। ओके लेट्स गो गाइस। ओ हो हो हो, जाना किधर है भाई, सब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। ये भाई तो एकदम हवाई जहाज के जैसा चलाता है गाड़ी। यस हियर इट इज। सो वहाँ जाना है, ये है हमारा टीम पूरा भर के। अभी और भी आ रहे हैं लोग, 23 बाइक है। ओके देखो दिस इज, पता ये क्या है, मनोकामना पूर्ण होने के लिए ये होता है। हाँ जो जो चाहिए घुमा के मांग लो। ओके सो हाउ हम लोग फाइनली ऑन द टॉप। देखो ये यहाँ से व्यू काफी बड़ा। मेरा चाबी जो जैकेट में करके मैं टेम्पो में रखा था ट्रैवलर में, और ट्रैवलर चला गया यार बिना चाबी के। देखो चालू करके दिया है, चाबी लेना पड़ेगा। टेम्पो अभी दरवाजे पे गेट पे रुका हुआ है, वहाँ मेन गेट पे। तो डायरेक्ट हम कैंप जाना है। सो आज कैंपिंग है। वाह सो गैस, भी अगेन हम लोग रिफ्यूलिंग किए हैं। देखो वापस फुल टैंक हो गया है, क्योंकि कल जो हम लोग जाने वाले हैं उधर पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। सो इधर से ही आज रात को ही फिलअप करवा लिए, क्योंकि इधर से ही आगे निकलने का है, वापस इधर आना नहीं है शायद। और यहाँ से बेस कैंप करीब 20 मिनट का रास्ता है, तो वो 8 बजे तक हम लोग कैंप पहुँचने वाले हैं। नाम तो कैंप है, अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कैसा कैंप है। देयर इज स्ट्रेट रोड। हम लोग पहुँच गए थे रिवर वैली कैंप। वाओ देखो, ये देखो कैंपिंग का मजा भाई। क्या बोलते हैं, ये देखो रात को ठंड लगने वाला है बहुत ज्यादा भाई। सोच के सब जैकेट स्वेटर सब पहन के ही सोने का है, सुबह ऐसे ही उठ जाने का। हाँ दो दिन से रोज ऐसे ही हो रहा है। ओके तो ये हम लोग का आज स्टे है यहाँ पे कैंप में।
और ये पूरा टेंटिंग है, जितने लोग आए हैं सब। हाँ क्या हुआ? अरे है ही नहीं, टेंट वाले भैया जो है यहाँ पे बैठने के लिए है। थोड़ा धूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है करेक्ट। ये अंदर जाएंगे, ये देखो ये बेड है, एक लाइट है सिर्फ, और पूरा यहाँ से लॉक कर सकते हैं। दो चेयर दिया हुआ है यहाँ पे और अटैच बाथरूम, वाह सब फिट करके रखा है। तो घर पर खिड़की भी होगा हमको लगता है, हाँ खिड़की भी है बाथरूम में भाई, मजा है ना। देखो उधर भी खिड़की है, पीछे हवा चल रहा है। यस अराइव्ड थर्ड डे डेस्टिनेशन एट द नुब्रा वैली, और यहाँ पे कैंप स्टे हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो आगे के अपडेट के लिए। अभी और भी बहुत सारे जगह पे जाने हैं, हर डे एक नया एक्सपेडिशन है। तो कल हम लोग शायद तुतुरुक जाने वाले हैं, तुतुरुक। हाँ तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।